confidence, accent, dialogue delivery, face expression और body language. तो मैं आज इन सब के बारे में बात करूंगा. सबसे पहली बात, एक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास. आत्मविश्वास हो तो एक्टिंग के जिस सब्जेक्ट पर एक्टर की पकड़ नहीं होती है तो भी उस सब्जेक्ट पर धीरे धीरे ही सही पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है. क्योंकि एक्टर जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है इसका पता काम करने से लगेगा और आत्मविश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी. डायलॉग बोलते समय एक एक्टर से सबसे ज्यादा उच्चारण में गलतियां होती हैं. आम बोलचाल में बहुत सारे लोग हिंदी बोलने में गलतियां करते हैं पर पकड़ में नहीं आती. लेकिन स्टूडियो में डबिंग के लिए डायलॉग बोलते समय साउंड फिल्टर्स में इतनी क्लैरिटी से आवाज कैच होती है कि उच्चारण में की गई छोटी से छोटी गलती भी पकड़ में आ जाती है. डायलॉग बोलने पर विशेष अभ्यास करना पड़ता है. एक्टिंग की बाकी बारीकियां तो कैमरे के सामने खड़े होकर या मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग करने से काफी हद तक सीखी जा सकती हैं. लेकिन एक्टर को अपनी स्पीच सुधारनी हो तो किसी जानकार से ही सीखना पड़ता है या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ता है. उच्चारण सुधार खुद के बलबूते आसान नहीं है. फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज. अभिनय की मुख्य आत्मा जो है वो दो चीजें हैं, चेहरे के भाव और शरीर के भाव. पहले मैं बात करूंगा एक्सप्रेशन पर. एक्टर का चेहरा खूबसूरत तो होना ही चाहिए लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है एक एक्टर अपने चेहरे के भाव को कितनी खूबसूरती के साथ पेश करता है. जो एक्टर चेहरे के भाव जितनी खूबसूरती के साथ पेश कर सकता है वही है बेहतर अभिनेता. चेहरे के भाव ही अभिनेता की अभिनय क्षमता को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं. अगर एक एक्टर अपने चेहरे के भाव को ठीक तरीके से प्रकट नहीं कर पाता तो गलत तरीके से प्रकट किए गए चेहरे के भाव खूबसूरत चेहरे को भी बदसूरत बना देते हैं. दरअसल एक्टर को सही वक्त पर सही फेस एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर लाना होता है. जैसे वो किसी चीज से डर रहा हो तो डर के भाव उसके चेहरे पर दिखने चाहिए, या कॉमेडी कर रहा हो तो कॉमेडी का भाव उसके चेहरे पर दिखना चाहिए, गुस्सा है तो गुस्से के भाव. लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता. असल सवाल यह है कि एक अभिनेता अपने चेहरे के भाव को कितनी खूबसूरती से पेश कर सकता है. एक कम खूबसूरत एक एक्टर अपने चेहरे के भाव में खूबसूरती ला सकता है तो लोग उसकी एक्टिंग को जरूर पसंद करने लग जाएंगे. और एक कितना भी खूबसूरत एक्टर क्यों ना हो वो अपने चेहरे के भाव को खूबसूरती के साथ पेश नहीं कर सकता तो खूबसूरत अभिनेता को भी लोग पसंद नहीं करेंगे. फेस एक्सप्रेशन को खूबसूरती के साथ कैसे पेश किया जाए इसके लिए एक्टर को मिरर के सामने खड़े होकर या फिर उससे भी ज्यादा बेहतर ये होगा किसी भी कैमरा या मोबाइल में अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अलग अलग तरीके से फेस एक्सप्रेशन प्रकट करके ये पता करना चाहिए कि उस पर किस तरह के फेस एक्सप्रेशन जमते हैं और फेस एक्सप्रेशन प्रकट करते समय चेहरे के कौन से भाग का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. कुछ नौसिखिया एक्टर जब किसी हीरो के चेहरे पर या उसकी बॉडी की कोई स्टाइल देखते हैं तो खुद भी उसकी स्टाइल को कॉपी करने लग जाते हैं. उन्हें लगता है कि यह स्टाइल जो हीरो पर जमती है वो उन पर भी खूब जमेगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. अभिनय की पहली शर्त यह होती है कि किसी भी दूसरे एक्टर की कॉपी नहीं करनी चाहिए. कॉपी करना अभिनेता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है. दूसरी बात, जिस हीरो की स्टाइल को आप कॉपी कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वही स्टाइल आप पर भी जमेगी. एक बेहद खूबसूरत अभिनेता जो अभिनय करते समय जब डायलॉग बोलता है तब फेस एक्सप्रेशन को जाहिर करने के इरादे से उसके चेहरे का एक भाग ऊपर की तरफ खिंच जाता है. वो चेहरा अपने आप नहीं खिंचता बल्कि वो जानबूझकर करता है ये सोचकर कि यह स्टाइल उसके चेहरे पर जचती है. लेकिन दर्शक उस स्टाइल को पसंद नहीं करते क्योंकि वो स्टाइल असल में एक्टर के चेहरे का लुक बिगाड़ रही है. जैसे कि राजेश खन्ना की आंखें मीचने वाली स्टाइल बहुत जमती थी. अगर वही स्टाइल दूसरा एक्टर करे तो उस पर बिल्कुल भी नहीं जमेगी. जरूरी नहीं कि सबके चेहरे पर एक ही स्टाइल जचे. कई अभिनेता तो किसी दूसरे हीरो के चेहरे का फेस एक्सप्रेशन देखते हैं तब उन्हें उस एक्टर के फेस एक्सप्रेशन की स्टाइल अच्छी लगती है और खुद भी वही स्टाइल कॉपी करने लग जाते हैं.
लेकिन किसी और के चेहरे पर वो स्टाइल अगर अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं कि आपके चेहरे पर भी वही स्टाइल अच्छी लगे। सबसे पहले एक्टर को यह जानना जरूरी होता है कि वो चेहरे के किस किस भाग को एक्टिंग करते समय इस्तेमाल कर सकता है, कहां कहां से फेस एक्सप्रेशन उत्पन्न कर सकता है। एक एक्टर अभिनय करते समय आंखों का इस्तेमाल कर सकता है, आंखों की भौहों का इस्तेमाल कर सकता है, ललाट का इस्तेमाल कर सकता है, होंठ का इस्तेमाल कर सकता है, जबड़ों का या फिर आंखों का, अपनी थोड़ी का, अपने मुंह का, इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जरूरी नहीं कि बोलते समय ही चेहरे के भाव प्रकट किए जाएं। बिना डायलॉग के जो भाव प्रकट किए जा सकते हैं वो और भी ज्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे कुछ सोचते समय, डरते समय या किसी के कुछ बोलते समय बिना बोले चेहरे के भाव प्रकट करके रिएक्शन देते समय। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि चेहरे के भाव लोगों को कितने आकर्षित लगते हैं। चेहरे पर भाव तो कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन जरूरी चीज है चेहरे के भाव एक्टर के चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने वाले हों, ना कि बिगाड़ने वाले। एक्टर को खुद कैसे पता चलेगा कि वो चेहरे पर जो भाव प्रकट कर रहा है वो औरों को अच्छे लगेंगे कि नहीं? एक एक्टर को हमेशा मिरर या फिर उससे भी ज्यादा बेहतर, जैसा कि मैंने कहा, कैमरे के सामने खड़ा होकर एक्टिंग करना चाहिए। अपने चेहरे के भाव को रिकॉर्ड करके देखना चाहिए, बार बार बदल कर देखना चाहिए, जब तक ये नहीं लगे कि इस तरह से फेस एक्सप्रेशन को प्रकट करना बहुत अच्छा रहेगा, तब तक नई नई स्टाइल विकसित करते रहें। कोई स्टाइल ऐसी भी होगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पर ही जमेगी। इसलिए स्टाइल बहुत सारे एक्टर के लिए ब्रांड बन जाती है। जैसे राजेश खन्ना का दोनों आंखें मीचना, राजकुमार का सिगार पीना या गोविंदा का मुस्कुराने का स्टाइल। ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा को सिर्फ चेहरे की मुस्कुराहट की वजह से ही फिल्मों में हीरो का रोल मिला था। धर्मेंद्र का डांस स्टाइल, धर्मेंद्र जी जितनी भी फिल्मों में अच्छे नाचते देखे, उन्हें वो स्टेप्स किसी कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाए, बल्कि खुद धर्म जी ने विकसित किए थे और आगे चलकर वही उनका स्टाइल बन गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।